52 साल कोई उम्र नहीं होती जाने की, लेकिन कौन सोच सकता था कि 52 साल की उम्र में शेन वॉन जैसा महान स्पिनर और जिंदा दिल इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा। शेन वॉन सिर्फ एक स्पिनर ही नहीं थे बल्कि एक जादूगर थे। भला कौन यकीन कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला एक स्पिनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 विकेट ले जाएगा, लेकिन वॉन ने यह कर दिखाया। शेन वॉन का जन्म 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हुआ था। एक ऐसा देश जहां हमेशा से तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा हो, शेन वॉन ने वहां पर एक स्पिनर के तौर पर अपनी एक मजबूत और एक अलग पहचान बनाई थी। शेन वॉन अपने शार्प टर्न के लिए मशहूर थे। उनका एक्शन जितना सामान्य दिखता था, उनकी गेंदें उतना ही बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब रहती थी। शेन वॉन ने अपने करियर की शुरुआत भारत के खिलाफ 1992 में की थी। वहीं शेन वॉन ने अपना आखिरी मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में खेला था। शेन वॉन ने 1992 में माइक गेटिंग को एक ऐसी गेंद पर आउट किया जिसने सभी को चौंका दिया। इस गेंद का टप्पा लेग स्टंप पर पड़ा और यह गेटिंग का ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। वॉन की इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। आईपीएल में भी शेन वॉन ने राजस्थान रॉयल्स की कमान संभाली थी और इस अंडरडॉग टीम को अपना पहला खिताब दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। शेन वॉन हमेशा से ही हेडलाइंस में बने रहते थे, कभी अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस को लेकर तो कभी अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर। कई बार उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे। 1998 में उन पर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगा, लेकिन 2003 विश्व कप से पहले शेन वॉन ने ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की। इन आरोपों के चलते शेन वॉन टीम से अंदर बाहर होते रहते थे, लेकिन शेन वॉन उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का अहम हिस्सा थे जिसके सामने दुनिया की कोई भी टीम जीतने का ख्वाब तक नहीं देख पाती थी।